फर्स्ट डेटा मॉडल अब हम लोग डिटेल में देखेंगे, दैट इज ईआर मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा, क्या ये मॉडल कंप्लीट है? इसे मैंने बताया था कि मॉडल कंप्लीट कब होगा, जब ये तीन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्टोरेज, सेकंड वाज मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड थर्ड वाज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो स्टोरेज के लिए ये नहीं बता पाएगा कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा को स्टोर करना है। सिमिलरली मैनिपुलेशन लैंग्वेज का भी आंसर नहीं कर पाता, कि सिर्फ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का आंसर कर पाता, वो भी कुछ हद तक कंप्लीट आंसर वो भी नहीं कर पाता। तो खैर जो भी है, मेन बात क्या है कि इसने फर्स्ट टू क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया, इसलिए याद रखना ईआर मॉडल इज नॉट अ कंप्लीट मॉडल। तो फिर हम इसको स्टडी ही क्यों कर रहे हैं अगर ये कंप्लीट नहीं है? तो एक्चुअली ईआर मॉडल की हेल्प से हम लोग हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे डेटाबेस का, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग रिलेशनल मॉडल का यूज करते हैं। ओके, सो जनरल ट्रेंड क्या रहता है कि हम लोग ईआर मॉडल में हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेशनल मॉडल का यूज करेंगे। तो याद रखना, ऐसा कोई भी डेटाबेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कम्प्लीटली ईआर मॉडल पे बेस्ड हो, क्योंकि ये मॉडल कम्प्लीट ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल डिजाइन ईआर मॉडल में बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट रिलेशनल मॉडल में करेंगे। ओके, यही जनरली ट्रेंड यूज होता है। अब वर्ड मैं क्या यूज कर रहा हूँ बार बार, हाई लेवल डिजाइन। ओके, हाई लेवल डिजाइन का क्या मीनिंग है? ऐसा डिजाइन जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन को भी समझ में आ सके। जैसे अगर हम बात करें कि हमें कोई घर बनाना है, तो उसके लिए टेक्निकल जो आर्किटेक्ट होगा वो शीट पे बनाएगा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड एलिवेशन व्यू एंड सो ऑन, वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, एक 3D मॉडल बना देता है, प्रॉपर हाउस आपको छोटा सा बना के दिखा देगा, उसमें कहेगा ये हमारे रूम्स हैं एंड सो ऑन। दैट इज ए हाई लेवल डिजाइन। जो डिजाइन नॉन टेक्निकल पर्सन को समझ में आ जाए, वही हमारा ईआर मॉडल बना के देता है। ओके, अब इसके अंदर कुछ टूल्स हैं या कंस्ट्रक्ट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। तीन टूल्स हैं इसके अंदर, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था डेटा मॉडल के अंदर क्या है, दीज आर टूल्स विच आर यूज टू डिजाइन डेटा बेस्ड मॉडल। तो इसके अंदर तीन टूल्स हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, याद रखना ईआर मॉडल इज बेस्ड ऑन एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। ओके, एंटिटी क्या है? देखिए, एंटिटी ना एक बहुत वेग टर्म है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकल के आता है, इसीलिए मैं वर्ड एंटिटी नहीं बोलूंगा। काफी बुक्स यूज करती है एंटिटी, बट हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस या एंटिटी सेट। ओके, तो देखते हैं ये क्या है, एंटिटी टाइप, इंस्टेंस और सेट। जैसे सपोज कीजिए आप कंपनी में गए, आपको काफी सारे लोग घूमते हुए नजर आएंगे, तो हम लोग उनके साथ एक लेबल लगा देंगे कि दीज आर एम्प्लॉयज। तो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं घूमते हुए, हम उनको बोलते हैं एंटिटी इंस्टेंसेस। जो आपने एक लेबल अटैच कर दिया एम्प्लॉय नाम का, वो होगा एंटिटी टाइप। और कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पर्संस, जो भी हमें नजर आ रहे हैं, मतलब एक एम्प्लॉय एक लेबल है, उसके लिए जितने भी पर्संस हम लोग देख पा रहे हैं, उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट। ओके, टेक्निकल डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, हम देख लेते हैं। एंटिटी टाइप क्या है? नेम और लेबल असाइंड टू आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स, असाइंड टू आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, रूम के अंदर हमारे पास होगा सोफा, होगा चेयर, होगी टेबल, होगी एंड सो ऑन, उनके साथ एक लेबल लगा देंगे फर्नीचर। ऐसे ही ट्यूबलाइट होगी, फैन होगी एंड सो ऑन, उनके साथ लेबल लग जाएगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब ट्यूब को मैं फर्नीचर नहीं कहूंगा, सिमिलरली चेयर को मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं कहूंगा। तो प्रॉपर्टी सेम होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, एंटिटी इंस्टेंस क्या है? अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। ओके, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, दैट इज एंटिटी इंस्टेंस। और सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द एंटिटी इंस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। जितने भी इंस्टेंसेस हम लोग सोच सकते हैं एक एंटिटी टाइप के अंदर, उन सबको मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, एंटिटी सेट। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ईआर मॉडल के अंदर एंटिटी इंस्टेंस के लिए कोई सिंबल नहीं है, एंटिटी सेट के लिए कोई सिंबल नहीं है, एंटिटी टाइप के लिए सिंबल है। ओके, क्यों? एंटिटी इंस्टेंसेस के लिए अगर सिंबल होते तो मैं तो डेटा स्टोर करवा देता डेटाबेस के अंदर, दैट इज इम्पॉसिबल। हमारा काम तो सिर्फ हाई लेवल डिजाइन का है, तो इसलिए सिर्फ एंटिटी टाइप का सिंबल है, बाकी इन दोनों के लिए कोई सिंबल नहीं है। ओके, अब वो सिंबल क्या है, वो डिपेंड करता है एंटिटी टाइप के टाइप्स पे। ओके, जनरली हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल सिंबल फॉर एंटिटी टाइप, बट अभी डिटेल इसका और देखते हैं।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटिटी टाइप्स. एंटिटी टाइप्स ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरी की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप और एक वीक एंटिटी टाइप. एक सिंपल बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, इसके इंस्टेंसेस की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, और वीक का मतलब क्या है, इसके इंस्टेंसेस की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है. इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप के जो इंस्टेंसेज है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, मतलब किसी दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है. और वीक एंटिटी टाइप का मतलब क्या होगा, जो इंडिविजुअली जो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकते उनकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरे एंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस पे डिपेंडेंट है. जैसे हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग का मतलब इंस्टेंसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एग्जाम्पल मान लो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की अपनी एग्जिस्टेंस होगी, जैसे हर एक एम्प्लॉय की अपनी आईडी होगी, नेम होगा एंड सो ऑन. कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे. और याद रखना ईआर मॉडल में इसको हम लोग सिंगल रेक्टेंगल से शो करते हैं, डबल रेक्टेंगल नहीं सिंगल रेक्टेंगल. वीक का मतलब क्या है, इंस्टेंसेस कांट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लिंक्ड विद सम अदर एंटिटी टाइप, किसी दूसरे एंटिटी टाइप से लिंक किए बिना इनकी एग्जिस्टेंस नहीं आएगी. जैसे हमने एग्जाम्पल मान लिया डिपेंडेंट्स का, और इसको हम लोग डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं. सिंबल्स ईआर मॉडल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बार के 2020 में भी एक सिंबल पे क्वेश्चन आया था, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा. तो खैर डबल रेक्टेंगल से शो करना है, और डिपेंडेंट्स का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, जिसे समझिए कि हमारी जो कोई कंपनी है और वो एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए एंड सो ऑन, सभी के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है. आप सोचिए अगर एम्प्लॉय ही कंपनी से चला गया तो उसके पेरेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा. मतलब क्या है कि उसके पेरेंट्स एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे. ओके, अगर वो एम्प्लॉय होगा तो उसके पेरेंट्स रहेंगे, अगर एम्प्लॉय जाएगा तो पेरेंट्स भी जाएंगे. इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, hence it is an example of weak entity type. अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल प्योर टेक्निकल बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप का मतलब क्या होता है, ऐसी एंटिटी टाइप जिसके पास अपनी प्राइमरी की होगी, खुद की प्राइमरी की है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर खुद की प्राइमरी की नहीं है तो वो वीक है. प्राइमरी की क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया होगा. और क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप के जो इंस्टेंसेस होते हैं उसको हम लोग डोमिनेंट एंटिटी इंस्टेंसेस कहते हैं, और जो वीक एंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस होते हैं उसको हम लोग सबऑर्डिनेट एंटिटी इंस्टेंसेस कहते हैं. जस्ट टर्म है और कुछ नहीं. और स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप का दूसरा नाम क्या है, रेगुलर या इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप. और वीक एंटिटी टाइप का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट एंटिटी टाइप. ओके,